तीन दिनों से किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार जुटे हुए हैं, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरा है, ऐसे में किसान किस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रह रहा है, या हम कहें कि एक आपको नायाब चीज़ दिखाने वाले हैं आज कि मिनी बस को किस तरह से एक लैविश कमरे के तौर पर बनाया गया है जिसमें किसान रात गुजारता है। सबसे पहले हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मिनी बस आपको बाहर से नज़र आ रही होगी जो एक बस के तौर पर है जिसमें यात्रियों के लिए जो सीट लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है और अंदर एक ऐसा कमरा बनाया गया है जिसमें किसान कमरे के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें आपको बता दें कि 8 से 10 लोग यहाँ पर सो सकते हैं और यहाँ पर रंग बिरंगी लाइटें भी आपको नज़र आ जाएंगी, बिस्तर नज़र आ जाएगा और किस तरह से यहाँ पर किसान रहते हैं वो हम इन्हीं से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि ठंड इस जो अनोखा एक कहें कि कमरा बनाया गया है, आपको अलग अलग प्रकार की लाइटें, रंग बिरंगी लाइटें नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर एक पाइप लगाई गई है जिसमें किसान अपने कपड़ों को सुखाते हैं, चाहे टॉवल हो चाहे अन्य कपड़े हों, और इसके साथ साथ पूरा बिस्तर यहाँ पर लगाया गया है। तो ये वो किसान हैं जो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जुटे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर, और रात कैसे काटते हैं हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बुज़ुर्ग किसान भी हैं और इनसे बात करेंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, बुज़ुर्ग सुबह से ही शंभू बॉर्डर पर जुट जाते हैं और रात तक बैठे रहते हैं। जब देर रात हो जाती है तो फिर इस नायाब कमरे में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, आराम करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं आपसे, आपका शुभ नाम, कहाँ से आप लोग आए हैं और ये तरकीब या कहें कि ये सोच कहाँ से आई कि हम जब आंदोलन के लिए जाएंगे, जैसा कि आप लोग 6 महीने तक के लिए प्लानिंग किए हुए थे, तो ये कैसे बनाया आप लोगों ने, कैसी सोच आई? आपका शुभ नाम, कहाँ से आए आप लोग? हमारा नाम है जगतार सिंह खालसा, हम गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट श्री हरगोबिंदपुर साहब हल्का हरचुवाल गाँव से आए हैं। तकरीबन वो पाकिस्तान के बॉर्डर से 40-50 किलोमीटर पंजाब के अंदर है। हम वहाँ से इस संघर्ष के लिए आए हैं। जो संघर्ष है ये किसानों का संघर्ष जिसको बोला जाता है, ये पूरे देश का संघर्ष है। देश को बचाने के लिए जो देश में कॉरपोरेट का जमावड़ा हो रहा है, उस जमावड़े से हम बचाने के लिए, अपने हकों के लिए लड़ने के लिए, अपने हक मांगने के लिए जहाँ पर पहुँचे हैं। बुज़ुर्ग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, बुज़ुर्ग यहाँ पर अच्छे ढंग से रह सके, उनका स्वास्थ्य ना खराब हो, इसका भी ख्याल इस कहें मिनी बस में पूरी तरह से रखा गया है। काका कैसा लग रहा है यहाँ पर? ठंड लगती है क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भी किसान रहते हैं, आप लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर किस तरह के ठंड जो होती है? लगनी होती है, ठंड परवाह नहीं करते हैं। ठंड की कहीं प्रभाव है, जो फिर कम करना हो जाए ये कहीं प्रभाव है, जो आए ऐसे कम वास्ते ठंड वास्ते हो जो मर्जी हुए तो करना पड़ना। ये है किसानों का जज्बा जो साफ तौर पर दिखाता है, चाहे देश के लिए हो, चाहे अपने राज्य के लिए हो, चाहे अपने समाज के लिए हो, चाहे अपने लोगों के लिए हो, सभी एक साथ खड़े रहते हैं। और जिस तरह से हमने इनसे बात की, इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी एक हैं और देश के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं, और इसी तरह से हम तमाम जो मुद्दे हैं उसे हमेशा के लिए उठाते रहेंगे। आपको बता दें कि शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं, 3रा दिन है आंदोलन का। आज सुबह से ही किसान शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन ये 10 बजे के करीब में एक बार फिर से आपको बता दें कि फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कई गोले छोड़े गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ अगर बैठक चल रही है जहां पर किसान नेता और केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं, इसका कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ स्मोकिंग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे साथ तमाम किसान युवा मौजूद हैं जो इस आंदोलन में पिछले 3 दिनों से यहीं पर दिन रात डटे हुए हैं। पहले हम शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि किसान अभी भी बॉर्डर पर मौजूद हैं। जब फोर्स की तरफ से
स्मोकिंग गन से फायर किया गया, तो उसके बाद यहाँ पर किसानों ने चिल्लाना शुरू किया कि आखिर यह क्या हो रहा है, क्योंकि इनको ये आदेश इनके नेताओं की तरफ से मिला है, किसान नेताओं की तरफ से, कि मीटिंग बैठक तक कुछ भी ना किया जाए, आगे ना बढ़ा जाए, क्योंकि हमें इंतज़ार करना है सरकार के फैसले का। आपसे जानना चाहेंगे, आपके चेहरे पर देख रहे हैं बहुत चोट के निशान हैं, ये चोट के निशान कैसे लगे आपको और इससे कितनी तकलीफ़ है और कहाँ से आए हैं आप? ये आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उसके ये निशान पड़े हैं, वो आंसू गैस के गोले दागने से ये निशान और एक्सपायरी डेट के ये गोले दाग रहे हैं, एक्सपायरी डेट के दो गोले हैं वो दाग रहे हैं, उसके आंसू गैस के मतलब आँखों में इफेक्ट बहुत पड़ता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये देखो जी पूरी चमड़ी खराब हो रही है। तकरीबन कितने किसान अब तक घायल हुए हैं, क्योंकि कईयों से हमने बात की जिनके हाथों में, माथे पर, आंख में, शरीर पर छर्रे, ऐसे कई किसानों से हमने बातचीत की जिनको लगा हुआ है, आंकड़े अगर आप बता सके कि कितनी संख्या हो चुकी होगी तकरीबन। आपका शुभ नाम कहाँ से? पुनीत सिंह, हम फरीदकोट से हैं। 250-250 करीब के मतलब कि किसान को किसी के हाथ में, किसी के मुंह के मतलब कि इन्होंने फायरिंग की है, मतलब कि जो ये बुलेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक्सपायरी डेट वाले हैं, मतलब कि वो रिकॉर्ड में भी नहीं आएंगे गवर्नमेंट के, तो वो मतलब कि जो मतलब कि जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं वो भी एक्सपायरी डेट वाले में, वो मतलब कि आँख में मतलब कि बहुत साइड इफेक्ट कर रहे हैं वो। अभी तो ये पक्की गन के फायर कर रहे हैं, पक्की गन के किसानों को ट्रैक्टरों के टायरों पे जो फायर मार रहे हैं ना, वो पक्की गन के फायर मार रहे हैं, जो हमारा कोई किसान आगे जा रहे है उस पर भी अटैक पक्की गन की मतलब कर रहे हैं। आज भी फायर किया, रजिंद्रा हॉस्पिटल में लेकर गए उनको, एम्बुलेंस पर लेकर गए। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो मतलब कि यहाँ पर खड़े थे तो इनकी तरफ से कार्रवाई हुई है पहले फोर्स की तरफ से। साफ तौर पर जिस तरह से स्मोकिंग गन का इस्तेमाल किया गया है, वो किसान बता रहे हैं कि कैसे इनको चोटें आई हैं, और लगातार ये प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से देखी जा रही है।